चिल्ड्रन, अब हम टू बिग स्टेट्स जो चैप्टर नंबर वन है हमारा हिस्ट्री सोशल साइंस की बुक में से क्लास सेवन्थ का, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो है स्टडी द मैप्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ हर्षा एंड पुलकेशी टू एंड नो डाउन द मेजर सिटीज एंड रिवर्स। अब उस मैप को देखना है और उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ और रिवर्स के नाम दिए गए वो देखने हैं हमको। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको जब मैप देखोगे तो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ और कुछ रिवर्स के नाम आएंगे। कौन कौन से हैं जो जो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपने, वो है मेजर सिटीज़ की बात करें, उज्जैनी, कन्नौज, पाटलिपुत्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के सिटीज़ हैं। और रिवर्स की बात करें तो चंबल, यमुना और गंगा जैसी नदियाँ भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। तो ये मैप देखने से आपको ये आ जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन पुलकेशी टू एंड हर्षाज पर्सनैलिटीज़। अब दोनों के बीच में फ़र्क, अंतर बताना है कि दोनों की पर्सनैलिटीज़ में क्या अंतर था। किंग हर्षा जो थे और पुलकेशी जो थे वो दोनों ही वॉरियर्स थे, दोनों योद्धा थे, युद्ध बहुत किया दोनों ने। बोथ वर कंटेम्प्ररी किंग्स, यानी कि दोनों एक ही समय में होने वाले राजा थे, यानी कि वो उत्तर में रूल कर रहे थे और ये दक्षिण में। देवर ग्रेट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर ग्रेट थे। यस देर वॉज अ कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम, हाँ उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी था। क्या क्या डिफरेंस था वो देखते हैं। द ग्रेट किंग हर्षवर्धन डिवाइडेड हिज डेली एक्टिविटीज इंटू थ्री पार्ट्स, जो हर्षवर्धन थे वो अपनी रोज की दिनचर्या को हर दिन को उन्होंने तीन पार्ट में बांटा हुआ था। विद द टेनेंट ऑब्जर्वेंस ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे इन चैरिटी, मेडिटेशन एंड रिलीजियस वर्क, यानी कि वो अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा जो होता था चैरिटी, यानी कि लोगों की भलाई करने में, लोगों को दान दक्षिणा देने में, मेडिटेशन में ध्यान लगाने में और रिलीजियस वर्क यानी कि धार्मिक कामों में वो अपना ज़्यादातर समय बिताते थे। ही बिल्ट मैनी टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, इन्होंने बहुत सारी टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज भी बनाई थी। मोनेट्रीज लिखा हुआ है यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ऐसा आएगा, प्लीज़ ये नोट कर लीजिएगा बच्चों, दिस इज सिली मिस्टेक। तो ही बिल्ड मैनी टेम्पल्स, इन्होंने बहुत सारी टेम्पल्स बनाए, बहुत सारे मोनेस्ट्रीज बनाई, यानी कि मठ बनाए जहाँ पर साधु संत रहते हैं। एवरी फाइव ईयर्स ही हेल्ड अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, ही वॉज सो काइंड, और हर्षवर्धन जो थे हर पाँच साल में एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस यानी कि एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित करते थे, और ये बहुत ही महान और बहुत ही दयालु राजा थे। पुलकेशी की बात करें वो एक हीरोइक वॉरियर थे, यानी कि एक योद्धा थे और बहुत ही बहादुर थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट्स लड़ी हैं, हर्ष से भी ज़्यादा फाइट युद्ध इन्होंने लड़े हैं, और ज़्यादातर बैटल्स जो हैं वो इन्होंने जीत ली थी। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर एंड अ हीरो, ही वॉज ऑल्सो एन आर्ट लवर, वो बहुत ही बड़े लवर हैं किस चीज़ के, ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट, आर्ट के वो लवर हैं, आर्ट उनको बहुत ही पसंद था, यानी कि कला बहुत पसंद थी उनको। ही वॉज ऑल्सो एन आर्ट लवर और ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट वॉरियर, तो ये दोनों करेक्शंस जो हैं बेटा आप लोग ये इसमें से कर लेंगे वरना आपके आंसर्स जो हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। वॉरियर्स, तो यहाँ पर आपको वॉरियर्स लिख लेना है। तो एक बहुत ही महान योद्धा थे, हीरो थे और कला के बहुत बड़े प्रेमी थे, यानी कि उनको कला से बहुत प्यार था। उन्होंने केव पेंटिंग्स वगैरह जो थी वो बनवाई, केव पेंटिंग्स बिल्ट इन हिज टाइम, ऑल दो देयर पर्सनैलिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दे आर ग्रेट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। अब ये दोनों बहुत ही एक दूसरे से पर्सनैलिटीज इनकी अलग थी, लेकिन फिर भी भले वो हर्षवर्धन जो थे वो युद्ध ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, उन्होंने बहुत कम लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन अपने अपने फील्ड के अंदर ये दोनों ही ग्रेट थे। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि ह्यूनसांग जो थे, ही कैरिड सम बुक्स, रिलिक्स एंड स्टैचूज बैक विद हिम टू चाइना, वाय पूछा गया कि वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें वापस ले गए थे, क्यों भाई। द चाइनीज ट्रेवलर, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स का प्लीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, चाइनीज़ ई नहीं आएगा यहाँ पर, सी एच आई ई नहीं आएगा, तो प्लीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना नोटबुक में आप गलती करेंगे तो आपकी जो टीचर है सोशल साइंस की वो आपके मार्क्स काटेंगी, और फिर आप बोलेंगे सर ये तो आपने लिखवाया था। तो ऑल दो मैं समझ रहा हूँ मैंने लिखवाया, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक भाई हमसे भी हो जाती है, तो वो आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो द चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षाज रीन फॉर 15 ईयर्स, तो लगभग 15 साल के लिए, 15 साल तक वो जो हर्षा के कार्यकाल के अंदर
ह्यून सांग जो थे वो भारत में रहे, यानी कि 15 साल तक ट्रैवल किया उन्होंने भारत में। आफ्टर मेनी ईयर्स ही स्पेंट इन इंडिया ही वॉन्टेड टू गो बैक टू चाइना अगेन। कई साल भारत में बिताने के बाद वो चाइना वापस जाना चाहते थे, तो इसलिए ही टुक विद हिम मैनी बुक्स रेलिक्स एंड स्टेचूज टू चाइना। तो इसीलिए जब वो यहाँ से गए तो वो अपने साथ बहुत सारे बुक्स रेलिक्स यानी कि पुरानी चीज़ें स्टैचूज अपने साथ चाइना ले गए। विद हिम इन चाइना नहीं, यहाँ पर टू चाइना आएगा। थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हैं, प्लीज़ वो क्लियर कर लीजिएगा। सो ही टुक विद हिम मैनी बुक्स रेलिक्स एंड स्टैचूज टू चाइना। तो ये विद हिम भी दोबारा मत लिखिएगा कि यहाँ पर विद हिम आ चुका है, तो इतना पार्ट आप काट दीजिएगा प्लीज़। सो ही टुक दीज थिंग्स विद हिम टू चाइना। आगे देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन। हुम डिड हर्ष थिंक ऑफ फ्रीइंग आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन। जब हर्ष जो थे वो गद्दी पर बैठे यानी कि जब वो राजा बने, तो सबसे पहले उन्होंने किसको फ्री करने का सोचा, इनकी किसको छुड़वाने का सोचा। आफ्टर शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थानेश्वर हर्ष वॉन्टेड टू रिलीज हिज सिस्टर राजश्री। तो सबसे पहले वो राजश्री उनकी जो बहन थी उसको छुड़वाना चाहते थे। तो राजश्री कहाँ थी, राजश्री को मालवा के जो राजा देवगुप्त थे उन्होंने बंदी बना रखा था, उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था। तो सबसे पहले इन्होंने उसको छुड़ाने की सोची। नेम द प्लेज रिटन बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कौन कौन से प्लेज लिखे हैं। वो भी एक आर्ट लवर थे, बहुत ही ज़्यादा कला के प्रेमी थे। उनके समय में बहुत सारे आर्ट डेवलप किए गए और वो लिखते भी थे खुद। उनके द्वारा लिखे गए प्लेज जो थे वो थे नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये तीनों प्लेज उनके द्वारा लिखे गए थे। विच केव्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग पुलकेशी टू रीन। पुलकेशी टू के रीन के दौरान, रीन मतलब होता है उनके जब उन्होंने रूल किया था उनके काल में कौन कौन सी केव्स बनी। पुलकेशी टू वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर ऑल्सो अ लवर ऑफ आर्ट। द केव्स ऑफ वातापी, इनके कार्यकाल में वातापी की केव्स, केव्स ऑफ धारापुरी बनाई गई थी। द फेमस केव ऑफ अजंता वॉज ऑल्सो पेंटेड एट दैट टाइम। अजंता की गुफाओं का निर्माण भी इनके समय के दौरान ही हुआ था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो कि चैप्टर नंबर 1 टू बिग स्टेट से थे। होप यू एंजॉय द वीडियो। थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं वो आप लोग सुधार लीजिएगा प्लीज़, मैंने करेक्शन करवा दिया है। और होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।